नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंजर कंपनी की तरफ से एक डिजिटल इको मशीन्स DE401 मॉडल का है ये डिजिटल इको मशीन्स। तो दोस्तों आज इस वीडियोस में इस इको मशीन का पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू करूँगा और इसकी माइक टेस्ट इको टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखाऊं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो पूरा एंड तक देखिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए इस टाइप का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इस इको मशीन को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ इसका पूरा डिटेल शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करने के बाद सबसे पहले कुछ पेपर्स नज़र आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेंजर साउंड विद एक्सपीरियंस, ये एक वारंटी कार्ड है। ये इको मशीन 1 साल का वारंटी देता है कंपनी। इसके ऊपर मॉडल्स DE401 लिखा है और स्ट्रेंजर कंपनी का ओरिजिनल होलोग्राम भी इसके ऊपर है, तो ये प्रूफ करता है कि ये ओरिजिनली स्ट्रेंजर कंपनी का ही प्रोडक्ट है और स्ट्रेंजर कंपनी का पूरा डिटेल्स एड्रेस इसमें भी है। और बैक साइड में आप लोगों को और एक फ्यूज़ मिल जाता है, अगर आपका ये इको मशीन का फ्यूज़ जल जाए तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं मेन मशीन के ऊपर, तो उससे पहले इसका एक छोटा सा फास्ट लुक आप लोग देख लीजिए। दोस्तों बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ये एक इको डिवाइस है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस इको मशीन की बैक साइड से, तो बैक साइड में सबसे पहले मिल जाता है मेन पावर्ड एसी कॉर्ड और ये एसी कॉर्ड एक अच्छे क्वालिटी की केबल टाइज के साथ आता है और ये केबल टाइज अगर आप इस डिवाइस को यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं तो उस समय एसी कॉर्ड को एक साथ रखने के लिए बहुत ही मदद करता है। उसके बाद हम लोगों को DC 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है, ये आप डायरेक्ट एसी को छोड़ के डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी की मदद से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं माइक का 3 ऑप्शन है और एक ऑक्स इन का ऑप्शन है और यहाँ पे एक आउटपुट का ऑप्शन है। तो इस आउटपुट सॉकेट से आप लोगों को इस पूरा डिवाइस का आउटपुट आपका मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो कंपनी की तरफ से यहाँ पे हेवी क्वालिटी की मेटल की मदद से ये कैबिनेट तैयार किया है कंपनी वालों ने और कैबिनेट के ऊपर मॉडल्स नंबर स्ट्रेंजर कंपनी का होलोग्राम भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप बात करते हैं इस डिवाइस की और डिटेल्स में, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक का 3 ऑप्शन है, माइक 1 माइक 2 माइक 3 ऑक्सिलरी इन और यहाँ पे आउटपुट और DC 12 वोल्ट का सॉकेट और एसी को। तो यहाँ पे जो तीनों माइक का ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग तीनों माइक एक साथ इनपुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्स इन का ऑप्शन है ये थोड़ा अलग टाइप का सिस्टम है और ये आउटपुट से आपको ये तीनों माइक का आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये जो ऑक्स इन का काम है ये मैं आगे जाके आप लोग को डिटेल्स में दिखा रहा हूँ। दोस्तों मेरे पास ये स्ट्रेंजर कंपनी का एक 16 चैनल वाला मिक्सर है, इसमें 16 माइक इनपुट एक साथ किया जा सकता है और इसमें से लो मिड हाई रिवर्ब या इको सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ये मिक्सर छोटे मोटे प्रोग्राम में या फंक्शंस में काम आ जाता है। ये लेफ्ट राइट मोनो का ये फेडर्स हैं, मिक्सर में काम आता है और ये एक 16 चैनल का एक अलग अलग का चैनल है। यहाँ पे गेन है, यहाँ पे माइक का लाइन है, उसके बाद लो है, मिड है, उसके बाद हाई है, फिर ये मॉनिटर का वॉल्यूम है और ये जो आक्स है ये इको का वॉल्यूम है और ये बैलेंस का और ये पूरा चैनल का फेडर सबसे नीचे है, म्यूट का भी ऑप्शन है और इस साइड में सबसे ऊपर मॉनिटर का प्री आउट, आक्स पोस्ट आउट, रिटर्न आक्स इन, मॉनिटर मास्टर, रिटर्न गेन का भी ऑप्शन मिल जाता है और उसके नीचे जो प्लेबैक और रिकॉर्डिंग का यहाँ पे RCA सॉकेट है, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके नीचे हेडफोन का वॉल्यूम है और ये हेडफोन का सॉकेट है, यहाँ से आप 2 टाइप का हेडफोन यूज़ कर सकते हैं मॉनिटरिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो मैं खुद बना के रखा हूँ 2 USB मॉड्यूल है यहाँ पे, 2 ब्लूटूथ वाला, तो यहाँ पे गाना प्ले करने के लिए ये काम में आता है। दोस्तों आप बात करते हैं उस इको सिस्टम का ऑक्सिलरी आक्स इनपुट के बारे में, तो जैसे कि ये बड़ा मिक्सर है यहाँ पे 16 माइक इनपुट किया जा सकता है, तो मान लीजिए आप इस मिक्सर का इको यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे जो आक्स पोस्ट आउट है
वो आके आपका यहाँ पे आक्स इन हो जाएगा, और यहाँ पे जो आक्स आउटपुट है ये आके सीधा इस बड़ा मिक्सर में रिटर्न आक्स इन में पोस्ट हो जाएगा। और ये कनेक्शन करने के बाद ये 16 चैनल का पूरा मिक्सर इको हो जाएगा इस छोटी सी इको डिवाइस के साथ। मार्केट में कुछ मिक्सर मिलता है जिसमें इको का सिस्टम नहीं रहता है, तो उस मिक्सर में इको सिस्टम लाने के लिए इस टाइप का कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक माइक्रोफोन लिया हूँ इस इको डिवाइस को टेस्टिंग करने के लिए। ये आहूजा यूनि डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, इसका मॉडल नंबर है 98XLR। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का माइक्रोफोन्स है, और ये माइक्रोफोन्स अगर आप खरीदेंगे तो इसके साथ आपका ये बहुत ही बड़ा माइक्रोफोन का कॉर्ड भी मिल जाता है केबल टाइज के साथ। तो मैं इसी छोटी सी एम्पलीफायर में साउंड टेस्ट करूंगा इस इको डिवाइस का। तो सबसे पहले मैं माइक्रोफोन ले लिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं XLR माइक्रोफोन है। तो इस माइक्रोफोन के साथ इस माइक्रोफोन का केबल मैं पहले अटैच कर लूंगा, उसके बाद माइक्रोफोन का 6.5mm जैक माइक इन में इनपुट कर दूंगा। उसके बाद सीधा चलाऊंगा इस डिवाइस की फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में सबसे पहले ऑन अप का जो स्विच है यहाँ पे मैं ऑन कर लूंगा, और ऑन करते ही रेड कलर का ये पावर इंडिकेटर शो करने लगेगा। उसके बाद मैं एक कॉर्ड लिया हूँ जिसके एक प्रांत में 3.5mm है और अपर प्रांत में 6.5mm है। तो जहाँ पे 3.5mm है वो मैं यहाँ पे USB डिवाइस के अंदर एम्पलीफायर के अंदर इनपुट कर दूंगा, और यहाँ पे जो 6.5mm जैक है ये मैं इस इको डिवाइस की आउटपुट में इंसर्ट कर दूंगा। तो फाइनली हम लोग इस डिवाइस में आउटपुट और माइक इनपुट सॉकेट लगा लिया हूँ। आप करते हैं इसका इको या साउंड टेस्ट। तो फाइनली माइक इनपुट करने के बाद माइक वन का जो गेन है इसे मैं थोड़ा खोल लूंगा और टेस्ट करना स्टार्ट करूंगा। हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो सी हेलो माइक टेस्ट, हेलो सी हेलो सी हेलो 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 सी हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो सी हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो 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 माइक टेस्ट, हेलो 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 माइक टेस्ट, हेलो हेलो। तो दोस्तों ये था स्टेंजर का DE401 का साउंड टेस्ट एंड फुल रिव्यू। तो आप लोगों को कैसे लगा ये साउंड टेस्ट रिव्यू आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप लोग की इसकी ज़रूरत है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग सुस्त रहिए, सही सलामत रहिए। नमस्कार।